हेलो एवरीवन, स्वागत है पुईन किचन में एक बार फिर से आपका। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो कस्टर्ड। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो थी मैंगो आइसक्रीम, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आज बनाते हैं मैंगो कस्टर्ड, और मैंगो का सीज़न भी चल रहा है। तो अभी मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, यानी 1.25 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क, और उसको रखा है उबलने के लिए। और जब उबाल आने को हो जाए तो आप उस पर अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिला लें। यहाँ मैंने खाने वाली 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी मिलाई है। और अपने जो मैंगो की स्वीटनेस को भी चेक कर लें। और अब मैंने मिलाया है इसमें ठंडे दूध में 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड। उसको घोल बना लें और फिर उसे उबलते हुए दूध में मिला दीजिए। 2-3 मिनट के लिए पका लीजिए। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो फिर फ्लेम को बंद करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम छील लेते हैं मैंगो को। ये है, मैंने लिए हैं चौसा आम। इधर नॉर्थ इंडिया में चौसा आम ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो पहले मैंगो को टेस्ट भी कर लें आप कि वो कितना मीठा है, और फिर उसको हम रख देंगे लो फ्लेम पे पैन में पकने के लिए। और या तो आप उसमें बटर या फिर 1 चम्मच के करीब घी डाल दें उसके ऊपर, और उसे लो फ्लेम पे पकने दें। और बीच बीच में हम उसको प्रेस करके देखते रहेंगे। उसको प्रेस करके हम देखते रहेंगे वो अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो फिर से उसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके लो फ्लेम पे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसको चेक करना होगा। मैंगो अच्छे से पल्पी हो जाए तब तक, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मैंगो है नीचे जल सकता है, तो थोड़ा उसे जल्दी जल्दी आपको चेक करना होगा। और हर बार आपको उसको ऐसे प्रेस करके देखना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से पल्पी नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से उसे हिलाएं डुलाएं चला दें, उसके बाद फिर उसको कवर कर दें। तो हर 2 या 3 मिनट के बाद आपको चेक करते रहना होगा। और अब ये पूरी तरह से पल्पी हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा और अपने जो स्पैटुला से प्रेस करके थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से पीस देती हूँ। और फ्लेम को अब बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा मैंगो पल्प ठंडा हुआ और हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हुआ, तब तक मैंने थोड़े से फ्रूट्स और चॉप कर लिए हैं। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए और उन्हें छोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए। तो अब सब चीज़ें रेडी हो गई हमारी, हमारा पल्प जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम ले ये जो हमारा कस्टर्ड है, सबसे पहले तो हम इसमें ये जो हमने मैंगो को पकाया है उस पल्प को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। तो अच्छे से स्पैटुला को अच्छे से घुमाइए ताकि जो पल्प है वो हमारे कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और अगर स्पैटुला से मिक्स करने में आपको दिक्कत है तो फिर आप बीटर ले सकते हैं, एग बीटर ले लीजिए और उसके साथ अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए ताकि कोई भी इसमें गांठ ना रहे और कस्टर्ड और जो मैंगो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
इसे अच्छे से अब मिक्स करके अब हम इसे अपने सर्विंग बाउल में, पहले सर्विंग बाउल में मैं फ्रूट्स डालने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं कस्टर्ड मिलाने वाली हूँ। तो अपनी चॉइस के आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद हैं। ये मैंने लिया है नाशपाती और कुछ अनार के दाने, कुछ आम के टुकड़े और कुछ एक मैंने बनाना भी लिया है जिसको मैं बाद में मिक्स करने वाली हूँ। और अब हम इसमें मिला देंगे कस्टर्ड को। अब एक इसे एक अच्छा सा मिक्स देके 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे अच्छे से ठंडा करके तभी हम इसे सर्व करेंगे। और ऊपर से डाल देते हैं कुछ अनार के दाने। आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। और सर्व करने के लिए आप चाहें तो ऐसे छोटे कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई छोटे बॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा मैंगो कस्टर्ड। और इसे मैं कुछ कटे हुए फ्रूट्स के साथ ही सजा रही हूँ। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सजावट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए मैंगो कस्टर्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।